वैसे ही ब्रश हमारा खराब हो गया, जो कि ब्रश इसका भी बाल कुछ उसी तरह का है। तो हम ट्रिक और है जो हम आपको बताने वाले हैं। तो हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों, आज भी पेंटर यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। दोस्तों हम आज की वीडियो में देखने वाले हैं कि ब्रश की पॉइंट कैसे बनाते हैं। लिखने के लिए ये हमें ब्रश की पॉइंट बनाना ज़रूरी होता है, तो हम आज की वीडियो में यही ब्रश की पॉइंट बनाएंगे। दोस्तों हमें ब्रश की पॉइंट बनाने के लिए क्या करना चाहिए, कैसे हमें ब्रश का पॉइंट बनाना चाहिए, तो चलिए हम आज की वीडियो में यही दिखाते हैं और बताते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए ये हमारे पास टारपिन तेल है, आपको ये डिस्पोजल में दिख रहा होगा, और इस डिस्पोजल में हम पानी रखे हैं और इसमें ये थिनर है। तो ये हमारे पास इस समय ये सब ब्रश है। तो देखिए ये बाल बिखरा हुआ है ब्रश का, आप देख रहे होंगे। तो ये सब ब्रशों का बाल जब तक सिकुड़ेगा नहीं, सटेगा नहीं, तब तक हम राइटिंग नहीं कर पाएंगे। तो दोस्तों चलिए हम शुरू करते हैं। ब्रश का पॉइंट हमारा थिनर में अच्छा बनता है कि ये पानी में अच्छा बनेगा कि ये टारपिन का तेल में बनता है। और हम एक ट्रिक और बताएंगे जिसमें कि उसमें भी ब्रश का पॉइंट बनेगा। तो आप इस वीडियो में देख करके बताइएगा कि कौन सा ट्रिक आपके लिए अच्छा रहा। दोस्तों इस समय हमारे पास ये तीन ब्रश है, आप देख रहे हैं तीनों का बाल सेम एक ही जैसा है, आप देख रहे होंगे ये बाल तीनों का बिखरा हुआ है। तो हम ये तीनों में इस ब्रश को डाल करके पॉइंट बनाएंगे। तो चलिए बारी बारी हम शुरुआत करते हैं। तो पहले हम थिनर में डाल करके पॉइंट बनाते हैं। ये हमारा थिनर है, इसमें हम ब्रश को डाल करके ब्रश की पॉइंट बनाएंगे। तो देखते हैं कि इसमें अच्छा बनता है कि कैसे ब्रश का पॉइंट ठीक बनेगा। तो देखिए हम ऐसे ब्रश को भिगो करके इसको हल्का हल्का दबाएंगे, जब तक ब्रश का बाल आपस में चिपक न जाए, बाल एकदम सटीक तरह से, तब तक हम राइटिंग नहीं कर पाएंगे। तो चलिए देखते हैं। ये हमने थिनर में ब्रश को धो लिया है, अब पहले से कुछ ठीक हो गया है ब्रश, पहले से कुछ ज़्यादा चिपक गया है। तो चलिए हम इस ब्रश से अब हम लिख करके देखेंगे कि पॉइंट बन रहा है कि नहीं। तो इसको हम इधर कर देते हैं और लेते हैं एनामिल पेंट, और इस पेंट को खोल करके हम देखेंगे। तो ये एनामिल पेंट है, इसमें हम ब्रश को डाल करके अच्छी तरह ब्रश का शेप बना लेंगे। तो चलिए हम लिखते हैं कुछ। तो आप भी हिंदी राइटिंग लिखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल पे विजिट कीजिए। आपको हमारे चैनल पे हर तरह के हिंदी राइटिंग पेंटिंग वीडियो मिल जाएगा। और हाँ, साथ साथ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन की आल पे प्रेस भी कर दीजिए, जिससे कि अगली वीडियो की सूचना सबसे पहले आपको मिलती रहे। और वीडियो को एक लाइक कर दीजिए। तो देख रहे हैं ब्रश का क्वालिटी कुछ इस तरह हो गया है। तो इसको हम रखते हैं अलग, और हम दोबारा ब्रश लेकर के दूसरा वाला हम अब पानी में यूज करेंगे। तो चलिए इसमें हम ब्रश को डाल करके ब्रश की पॉइंट बनाते हैं। तो देखिए पानी में तो वैसे ही ब्रश हमारा खराब हो गया। तो दोस्तों पानी में ब्रश का पॉइंट कभी भी नहीं बनेगा, क्योंकि पानी में ब्रश डालने से ब्रश का बाल नम हो जाता है। देखिए हमने ये पानी में भिगोया था इसको, अब हम इसको पेंट में डाल करके इसका भी शेप बनाते हैं। तो देखिए इसका शेप कैसा बनता है ब्रश का। तो देखिए ब्रश का शेप बना रहे थे तो ये ब्रश हमारा फूल जा रहा है। तो ये पानी में डालने से इसका पॉइंट एकदम खराब हो गया। तो हम इसको भी अब साइड रखते हैं, क्योंकि यह हमारा पानी में डाल करके ब्रश की पॉइंट बनाना सक्सेस नहीं हुआ। अब हम तीसरा शुरू करते हैं, ये तारपीन के तेल में।
और ये हमारा तीसरा वाला ब्रश है। तो इसको हम डाल करके इसको अच्छी तरह से इसको भी देखते हैं। जब तक हमारा ब्रश का बाल आपस में चिपक नहीं जाएगा तब तक हम राइटिंग साइन बोर्ड पे नहीं कर सकते, क्योंकि ये हमारा लॉन्ग हेयर ब्रश है। तो हम इसको तारपीन में भी ऐसे ही भिगो करके दबा लेंगे ब्रश को। दबा लेने के बाद अब हम ये एनामिल पेंट लेते हैं। अब इसमें डाल करके हम ब्रश को थोड़ा अच्छी तरह से ऊपर नीचे जैसे हम उस ब्रश को किए थे वैसे ही इस ब्रश को भी करते हैं। ऐसे ही बार बार हम पेंट लेकर के ब्रश को दबा करके पेंट जो एक्स्ट्रा रहेगा ब्रश में उसको हम निकाल लेंगे। ब्रश कुछ इस टाइप का हो गया। तो चलिए हम इस ब्रश से लिखते हैं। तो देखिए ये टारपिन का तेल में ब्रश को डाल करके इसका पॉइंट बनाने की कोशिश किए थे। बहुत ही अच्छा दिख रहा है। तो हम इस तरह टारपिन के तेल में डाल करके ब्रश के पॉइंट बना सकते हैं। ये हमारा देख रहे हैं अच्छा चल रहा है। टारपिन तेल वाला दोनों लगभग में अच्छा आया है। पानी, टारपिन तेल और ये थिनर, आपको तीनों में ब्रश डाल करके यूज करके दिखाया है। और एक ट्रिक और है जो हम आपको बताने वाले हैं। तो चलिए हम ये भी लगभग में टारपिन का तेल वाला में इस तरह का पॉइंट बना है और ये थिनर का पॉइंट है जो ब्रश डालकर थिनर में इस तरह लिखे थे और ये वाटर पेंट वाटर में डाल करके ब्रश को इस तरह लिखे थे। तो ये वाटर वाला हमारा एकदम फ्लॉप रहा। तो देखिए ये हमारा एनामिल पेंट है और ये हमारा ब्रश है जो कि ब्रश इसका भी बाल कुछ उसी तरह का है। तो हम इसको ना वाटर में डालेंगे ना आयल में ना टारपिन में। तो देखिए हम डायरेक्ट पेंट में इसको डालते हैं। पेंट में डालने के बाद कुछ इस तरह का हम ब्रश का शेप बनाएंगे कि ब्रश का बाल आपस में चिपक जाए। अगर हमारा ब्रश का बाल अगर इस तरह नहीं चिपकता है तो हम ऐसे ही बार बार बना करके कुछ समय के लिए छोड़ देंगे। फिर उसके बाद जब हमारा 10 मिनट के बाद जब हम ब्रश को उठाएंगे तो फिर एक बार इसमें जो है कि ऐसे ही ब्रश को ऊपर नीचे दबा करके पेंट ब्रश में से निकाल लेंगे और जो ज़रूरत भर ब्रश में पेंट लगा है उसी से राइटिंग हम शुरू करेंगे। तो दोस्तों ये हमारा चौथा ट्रिक है। हम ऐसे ही ट्रिक यूज करते हैं यही वाला। पहले पेंट में ब्रश को हम डाल करके कुछ समय तक छोड़ देते हैं और पेंट की वजह से ये बाल जो है आपस में चिपक जाते हैं। चिपक जाने से ब्रश का शेप अच्छा हो जाता है। तो दोस्तों हम अब इस ब्रश से लिखने वाले हैं। तो ऐसे भी हमारा ब्रश का पॉइंट एकदम सुंदर अच्छा बनेगा। आप देख रहे हैं ये हमारा बहुत ही बढ़िया इस तरह ब्रश का पॉइंट बनेगा। तो दोस्तों आप ऐसे ब्रश का पॉइंट बनाएं, आपको हम कहेंगे कि ये सबसे अच्छा रहेगा। अगर ब्रश का बाल थोड़ा टाइट है, इसमें पेंट लगा हुआ है, तो थोड़ा सा तारपीन के तेल में आप इसको धो लीजिए। धोने के बाद ब्रश को ऐसे ही पेंट में डाल करके कुछ समय तक छोड़ दीजिए। छोड़ने के बाद तब राइटिंग कीजिए, आपका ब्रश का पॉइंट बन जाएगा और आपकी राइटिंग भी अच्छी होगी। तो दोस्तों आपको कौन वाला ब्रश का पॉइंट बनाने में ट्रिक अच्छा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताइएगा।